पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में भाजपा के एक नेता पर ग्राम प्रधान के द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। ग्राम प्रधान के द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीणों के साथ मिलकर भाजपा नेता के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक ज्ञापन एसएसपी मुरादाबाद और कमिश्नर मुरादाबाद को सौंपा गया है। शिकायत करते हुए सभी ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता के द्वारा उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, साथ ही धार्मिक कमेंट करके उन्हें आहत किया गया है। इस दौरान अधिकारियों के द्वारा शिकायतकर्ताओं को जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। जब ग्राम प्रधान से इस बात की जानकारी के बारे में पूछा गया कि आखिरकार अभद्रता करने वाले नेताजी हैं कौन, तो ग्राम प्रधान ने जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि उनके द्वारा बार बार एक नंबर दिखाकर ये जरूर कहा जा रहा है कि उनका ये नंबर है और इसी नंबर से उनके द्वारा अभद्रता की गई, जिसके बाद जांच की गई तो पता चला कि ये एक भाजपा नेता का नंबर है। इस दौरान जब भाजपा नेता से इन सभी आरोपों के बारे में जानकारी ली गई तो उनका कहना है कि ये सभी आरोप निराधार हैं। ग्राम प्रधान अपने बचाव में इस तरह के झूठे षड्यंत्र रच रहा है। क्या नाम है आपका? नफीस प्रधान। अच्छा, क्या परेशानी है, समस्या क्या है? परेशानी ये थी साहब, कोठा डीलर माल नहीं बांटा था पहले। हमारी परेशानी जब से हुई है, हमें जनता ने 1100 वोट दिए हैं, हमने उनका दिल जीतने के लिए हमने उनसे जनता से वायदे करे थे कि हम आपको वितरण पूरा कराएंगे, राशन पूरा दिलाएंगे, आपके गाँव में रोड सही कराएंगे। हम इसलिए यहाँ से हम प्रधान, हमें पब्लिक ने वोट दे दिया, जनता ने वोट दे दिया, हमने उससे बोला कि आप इसका वितरण पूरा करो। हमने उससे वहाँ बैठे उसके कोटे जाकर तो उनने हमें धमकी दी कि तो पे ऐसी हेट लगवाएंगे, जरा ये करेंगे। फिर उससे हम नहीं माने, हमने वितरण कराया उससे, फिर भी उनने ढंग का हमारे हिसाब से वितरण नहीं करा। फिर उसने हम पर आरोप लगाया कि तुम पैसे मांग रहे हो उससे 10,000 और 15,000। हमने उससे कोई पैसा नहीं मांगा कहीं भी, ना हमें कोई जरूरी है। फिर हमारे पास दिनेश ठाकुर का फोन आया कि वो तू वहाँ बैठेगा कोटा डीलर के पास, तो हम तुझे जान से मार देंगे, ये हमें महीना देता है और ये तो देता ही, तू भी देगा हमें महीना। दिनेश ठाकुर मुर्दाबाद के हैं, कोई मैं नहीं जानता हूँ साहब, ना हमें ये पता कौन है। वो फोन पे धमकी दी है, फोन हमारे पास है, नंबर उनका रिकॉर्डिंग हमारे पास है, हमने वो रिकॉर्डिंग सबको डाल दी है, सबके पास रिकॉर्डिंग कर दी है और उसे वो ही जान सकते हैं जो उसे जानता होगा, मैं नहीं जानता। और मेरी खुदा की शान में उन्होंने गुस्ताखी की है, उसकी उसे सजा मिलना चाहिए, फिरौती जो बात उसकी गिरफ्तारी होना चाहिए, उसे सजा मिलना चाहिए। हमारा मुसलमान भाई सब भड़का हुआ है और मुसलमान ही क्या, ये तो हिंदू के ताई भी, अल्लाह तो एक ही है सभी के ताई, उन्होंने गलत लफ्ज लिया, उसने ये लफ्ज गलत बोला, उसे सजा मिलना चाहिए, उसे की गिरफ्तारी होना चाहिए, उसे जेल जाना चाहिए। और जिस शख्स ने आपको ये धमकी दी है, कभी उससे मिले हैं आप? नहीं, मैं नहीं मिला हूँ साहब। जानते हैं उसे? ना, मैं नहीं जानता हूँ साहब। कौन है ये? दिनेश ठाकुर नाम उसका, मोबाइल के जरिए मैंने उसे देखा है, उसकी सिम पे मैंने उसका नाम पढ़ा है। कौन जानता है? कोटा डीलर जानता, उसने फोन कराया उसे उसके घोरे बैठ के। मैंने फिर उसका नंबर लगा कर फोन करा तो उसने कहा मैं यहीं बैठा हूँ इनके पास ही, मैं ही फोन करा रही हूँ। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।